दिस इज एक्सरसाइज ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, जो इससे पहले हम लोगों ने रूल्स कुछ पढ़े थे सिंगुलर एंड प्लूरल से रिलेटेड, वो हम लोग उसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आपको एक तरफ सिंगुलर दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको प्लूरल करना है, और सबसे पहले आपको वर्ड देखना है। ठीक है, वर्ड देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे किस रूल को फॉलो करता है। इससे पहला वर्ड है क्लास, तो आप क्लास पढ़िए, तो क्लास का क्या होगा सोचिए आप लोग, लिखिए। ओके, लास्ट में एस एस है, हिसिंग वर्ड है, इसलिए क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेज हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड इज बॉक्स, लास्ट में हिसिंग वर्ड है ना, तो बॉक्स का क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बॉक्सेस है ना। जब भी कोई लास्ट में हिसिंग वर्ड हो तो हम लोग जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें ES ऐड कर देते हैं। अब जानते हैं आप लोग हिसिंग वर्ड में आता है S, SH, SS, CH या X, है ना। जब जब ऐसा साउंड करे है ना, ऐसे साउंड करे, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये हिसिंग वर्ड है। तो बेंच में लास्ट वर्ड CH, ये भी हिसिंग वर्ड है, इसलिए बेंच का प्लूरल हो जाएगा, बेंचेस हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है लेडी। अब यहाँ पे आप देखिए रूल आपके चेंज हो सकता है, लास्ट में वाई है, ठीक है, और उसके पहले कंसोनेंट है, तो आप सोचिए। वेरी गुड, इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वाई को चेंज कर देते थे आई ई एस में, तो इसका प्लूरल हो जाएगा लेडी का, एल ए डी आई ई एस। नेक्स्ट फैमिली का प्लूरल, लास्ट में वाई है, उसके पहले कंसोनेंट है, तो फैमिली का फैमिलीज। वेरी गुड, आई एस से चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट है बॉय। अब बॉय में देखिए लास्ट में तो वाई है लेकिन उसके पहले क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पे ऑनली इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑनली एस ऐड हो जाएगा, तो बॉय का प्लूरल हो जाएगा बॉयज। इसी तरह टॉय का प्लूरल सोचिए, टॉय का टॉयज। वेरी गुड, एंड नेक्स्ट है कंट्री। कंट्री में लास्ट में वाई है और उसके जस्ट पहले क्या है, कंसोनेंट है, तो कंट्री का प्लूरल क्या हो जाएगा, कंट्रीज, टी आर आई ई एस। नाइफ, अब देखिए यहाँ पे चेंज थोड़ा सा दिख रहा है कि कौन सा रूल फॉलो करेगा, आप याद कीजिए, लास्ट में वर्ड के एफ आई और एफ ई आई, तब क्या होता था, V प्लस ई एस से चेंज कर देते थे, तो नाइफ का क्या हो जाएगा, के एन आई वी ई एस, नाइफ हो जाएगा। ओके, इसी तरह लाइफ में लास्ट में एफ ई है, तो लाइफ का प्लूरल हो जाएगा एल आई वी ई एस। जब भी लास्ट वर्ड में लास्ट का एफ या एफ ई आए तो उसे चेंज कर देते हैं वी ई एस में। इसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, आप इसमें आप खुद सोचिएगा, मैं डायरेक्ट प्लूरल लिख रहा हूँ और रूल कौन सा है ये आप सोचिएगा। वोल्फ का, ओके वेरी गुड, वोल्फ्स, यहाँ पे हाँ, सेल्फ का, सेल्फ्स। ओके, अब आप लोग जानते हो कि फर्स्ट सेल्फ्स। ऑक्स का, हाँ यहाँ पे देखिए अलग रूल दिख रहा है, ऑक्स कुछ वर्ड ऐसे भी है, मैंने बताया था, जिसमें लास्ट में ई एन लगाने पर प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे ऑक्स का क्या हो जाएगा, ऑक्सन हो जाएगा। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बुक का, ये सिंपल वर्ड है, तो बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स। गैस का क्या हो जाएगा, गैसेस, लास्ट में हिसिंग वर्ड है तो इसलिए गैसेस हो जाएगा। वॉच का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, वॉचेस। डिश का क्या हो जाएगा, डिशेस। स्टोरी का, स्टोरीज। ओके, मंकी, मंकी का मंकीज। अब आप लोग सोचिएगा कि ये क्यों हुआ सेकेंड वाले में। ओके, तो आपका एक्सरसाइज आज यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।